ठीक है। मैं बबीता का हस्बैंड अपने दिल पर पत्थर रखकर ये डिसीजन लेता हूँ कि नरक और बबीता को अलग होना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे यार भाई? छूटा छेड़ा? ओ मतलब? अरे तलाक, छोड़ी, डिवोर्स, हमेशा के लिए अलग होना। वायर प्रा दिमाग ठिकाने पे तो है। नहीं तो क्या? कैसी वाहियात बात कर रहे हो यार? अय्यर भाई ये सही बात नहीं है। बकवास नहीं कर रहा हूँ सॉरी। पानी में और रिलेशन में अगर दम घुटने लगे तो उस घुटने से बाहर निकलना ही अच्छा होता है। क्या बोलते हो यार? अय्यर भाई, अरे डिवोर्स मैं भी नहीं चाहता हूँ। बबीता और मेरी किस्मत दोनों मुझसे प्यारी नहीं करते हैं। मैं क्या करूं? मैं बबीता कभी डिसीजन लेगा नहीं, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। इससे अच्छा है कि मैं बबीता को आजाद कर देता हूँ। बबीता का खुशी में ही मेरा खुशी है। बबीता का खुशी के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए हमको अलग होना ही पड़ेगा। अय्यर प्रभाव, अय्यर बैठो, देखो परेशान मत हो, समझने की कोशिश करो। सही बात है, डिवोर्स किसी चीज का हल नहीं है, तुम एक्सट्रीम सोच रहे हो अय्यर। देखो, अरे अय्यर भाई ये पाप है, पाप। डिवोर्स कोई लेता है? अरे रोटी की कीमत उससे पूछो जो भूखा है। डिवोर्स लेने का आइडिया अभी कैंसिल करो। हाँ बोपटलाल तुम शांत रहो, कोई डिवोर्स नहीं ले रहे। शांत रहो। देखो अय्यर, हम सब तुम्हारी मजबूरी समझते हैं, लेकिन डिवोर्स देने के लिए हम में से तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल भी नहीं देंगे यार, डिवोर्स थोड़ी होता है, मजाक दौड़ने चल रहे यार। दोस्तों मैं भी नहीं चाहता कि अय्यर भाई और बबीता जी का छुट्टा छेड़ा हो, लेकिन देखिए मुझे गलत मत समझना, पर क्या है कि अय्यर भाई ने जो बात कही वो भी सोचने जैसी है कि बबीता जी उनसे प्यार ही नहीं करते, तो ऐसे में अय्यर भाई बबीता जी के साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं, इसके बारे में अगर अय्यर भाई को पता नहीं चला होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। जैसे अब तक वो जी रहते वैसे जीते रहते, लेकिन अभी पता चलने के बाद साथ में रहना, वो भी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए रिश्ता बनाए रखना, उसमें तो दोनों को तकलीफ होगी ना। सही बात है। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ यार भाई? नहीं 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 जयदलाल, तुम एकदम करेक्ट बोल रहे हो। पर दोस्तों आप लोग मेरे को और बबीता को अलग करने में मेरा साथ देकर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। वो ये पाप नहीं है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बबीता की खुशी के लिए, उसके बेटर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। शाबाश, क्या बात है यार, प्यार करना और प्यार में बलिदान करना तो कोई तुमसे सीखे मेरे दोस्त। तुम जो फैसला ले रहे हो फैसला बहुत दुखद है, हम सब के लिए बहुत दुखद है। नहीं यार, दिल नहीं मान रहा, नहीं कर सकते हम लोग ये। सही बात है, हम गोकुलधाम वासी हमेशा लोगों को जोड़ते आए हैं। हाँ ये तो अय्यर प्रा और बबीता जी की खूबसूरत जोड़ी को तोड़ने की बात है, वो यार साड़ी कोलो नहीं हो पाएगा यार। बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। दो टूटे दिलों का जोड़ी बनाए रखना कहाँ का समझदारी है, इससे तो दोनों का लाइफ खराब होगा। मैं समझ सकता है आप लोग दिल से सोच रहे हैं, लेकिन इस मैटर में दिल के साथ साथ दिमाग से सोचने का जरूरत है। मेरे और बबीता का अलग होने में ही भलाई है। अरे तुम्हारी बात को अगर सोचे तो लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो। दोस्तों जो अय्यर ने अभी कहा अगर उस दृष्टि से सोचे तो मैं अय्यर की बात से सहमत हूं।
भावनाएं अपनी जगह है, लेकिन हमें वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ये कहते हैं अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हाँ, मैं अय्यर के इस निर्णय का समर्थन करता हूं। बाकी जिसको भी मंजूर हो अपना हाथ उठाए। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? हमेशा प्यार करने वाले को ही कुर्बानी क्यों देनी पड़ती है? सॉरी सॉरी दोस्तों, वो मुझे मेरी कुर्बानियां याद आ गई। इससे पहले गोकुलधाम में बहुत तकलीफें हुई, बहुत टेंशन आए, पर ऐसी तकलीफ ऐसा टेंशन पहले कभी नहीं आया। भगवान, ऐसे धर्म संकट में किसी को मत डालना। अय्यर भाई, आपने डिवोर्स का फैसला तो ले लिया, लेकिन डिवोर्स के बाद आप अकेले हो जाएंगे, और अकेले जीना कितना मुश्किल है मुझसे पूछिए। आप कैसे बिताएंगे अपना पूरा जीवन अकेले? डिवोर्स के बाद मैं अकेला नहीं रहूंगा। तो किसके साथ? बबीता की यादों के साथ जिलूंगा मैं, जिलूंगा मैं बबीता की यादों के साथ। और बबीता जी, उनका क्या होगा ये सोचा है तुमने? बबीता जिसके साथ भी रहे खुश रहे, उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए कि उसको कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, कभी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़े। अय्यर प्रा, यारा तुसे ग्रेटेस्ट ग्रेट हो। सही बात है दोस्तों, क्या करना है ये तो डिसाइड हो गया। आप लोग मेरे को सजेस्ट कीजिए कि मैं बबीता से डिवोर्स कैसे लूं। फैमिली कोर्ट में अय्यर भाई, ये जानकारी देते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर डिवोर्स तो वही होता है ना फैमिली कोर्ट में। आई नो मेहता साहब, डिवोर्स के लिए मैं रीजन क्या दे? वो सच बता के कि बबीता जी आपसे प्यार नहीं करती और उनकी भलाई के लिए आप डिवोर्स ले रहे हो। नहीं 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 सॉरी, ऐसे बबीता मेरे को कभी भी डिवोर्स नहीं देगा, उल्टा वो बदनाम हो जाएगा कि उसकी वजह से डिवोर्स हुआ। मैं बबीता को बदनाम नहीं करना चाहता, भले बबीता मेरे को प्यार नहीं करती है, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हाँ ये प्रा, बबीता जी को बदनाम नहीं करना, हम तो बस आपके डिवोर्स के लिए सोच रहे हैं। बराबर छोटी, अय्यर भाई बराबर बोल रहे हैं, लेडीज का नाम बदनाम हो ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कि एक बार जेंट्स का नाम बदनाम हो तो थोड़ा चल जाता है, क्योंकि जेंट्स क्या कठोर होकर संभाल लेता है, लेकिन लेडीज की अगर बदनामी हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है ना लेडीज को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे बबीता जी सामने से अय्यर भाई को छोटा छड़ा दे दे। एक काम करो अय्यर भाई, आप बबीता जी के सामने शराबी होने का नाटक करो। नहीं 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 नहीं, इससे बबीता जी डिवोर्स नहीं देंगी, बल्कि गोकुलधाम की सारी महिलाएं और चाचा जी मिलके अय्यर भाई को सुधारने की कोशिश करेंगे। हाँ बराबर है, नहीं 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 कुछ और सोचो। हाँ सोचो। मेरे पास एक आइडिया है, तुम ना बबीता जी के साथ रूडली बात करो, गुस्से से बात करो,
बुराई करो उनकी। अरे क्या आइडिया दे रहे भिड़े। अरे यार भाई गुस्से से बात करेंगे तो बबीता जी बेचारे पहले ही दुखी और दुखी हो जाएंगे। सही बात है। काय तरीज का है? जेठालाल मैं रोज रोज थोड़ी डिवोर्स का आइडिया देता हूँ। तो गप्पो बस है ना, आइडिया ना येता तो जबरदस्ती दयालात पाई ऐसा थोड़ी है। आओ देना मला क्या करायचे। यस ब्रा, मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया। जैसे मदर इंडिया पिक्चर में नरगिस जी के पति सुनील दत्त जी उनको छोड़ के भाग गए थे, वैसे आप भी बबीता जी को छोड़ के भाग जाओ। थोड़ी, अरे सबसे पहली बात सुनील दत्त जी जो थे ना वो नरगिस जी के रियल पति थे। हाँ। और वो फिल्म में उनके बेटे बने थे। उनको जो छोड़कर भाग गए थे वो एक्टर राजकुमार थे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वो 5 बार पिक्चर देखी थी ना इसलिए गलती होगी। वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों एक हो गए यार। आप एक काम करो, आप जैसे राजकुमार जी नरगिस जी को छोड़ के भाग जाते हैं ना, वैसे आप बबीता जी को छोड़ के भाग जाओ। नहीं 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 सोरी, कैसा आइडिया दे रहे हो भाई। अगर अय्यर भाग ही गया तो फिर इन दोनों के बीच में डिवोर्स कैसे होगा? उल्टा बबीता जी सारी जिंदगी इंतजार करती रहेंगी कि अय्यर वापस कब लौटेगा। हाँ बबीता जी ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो बराबर नहीं। कुछ और सोचो भाई। ओहो करेक्ट है, सही बात है, कुछ और दिमाग चलाइए आप लोग। देवा ये कैसी अग्नि परीक्षा है, डिवोर्स कैसे ले इसके बारे में सोचना पड़ रहा है। बोलो, इससे बुरा वक्त और क्या हो सकता है किसी का। तो साहब आप क्या सोच रहे हैं? मेरे पास एक आइडिया है। हाँ। एक आइडिया है। हाँ। देखिए दोस्तों, एक औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, बस एक ही चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन सी? अपने पति का किसी और औरत के साथ संबंध। लाया बापू, ले आया बॉस। वाह बहुत बढ़िया, मैं तो सब बराबर है, बराबर है। अय्यर भाई अगर किसी लड़के के साथ प्यार का चक्कर चला है तो बबीता जी अय्यर भाई का छोटा छड़ा दे देंगे। बराबर है, ये बराबर। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे मेहता साहब, मुझे यहाँ शादी करने के लिए लड़की नहीं मिल रही, तो शादीशुदा अय्यर भाई को प्यार करने के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी? ओए पप्पू, ओ मेहता साहब का मतलब है किसी लड़की से सच में प्यार नहीं करना है, वो प्यार का नाटक करना है। मेहता साहब मैं सही समझे है ना? हाँ बिल्कुल, सिर्फ प्यार का नाटक करना है। सेठ जी, सेठ जी। हाँ क्या हुआ? बबीता जी आ रही हैं। मैंने तुझे बोला था ना कि किसी भी गोकुलधाम वासी को बताना मत कि हम लोग यहाँ खूब हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बबीता जी को नहीं बताया, मैं तो बैंक गया था। तो किसने नट्टू काका ने बताया? नहीं सेठ जी, तो नट्टू काका तो पार्टी के पास पेमेंट लेने गए थे। अरे तो किसने बताया? मगन ने। मगन? सेठ जी मैं जब बैंक से दुकान लौटा तब मगन बबीता जी को बता रहा था कि सेठ जी गोडाउन में बैठे हैं, इसलिए मैं दौड़ा दौड़ा आपको बताने चला आया। अभी काम कर, दौड़ के वापस जा और बबीता जी को वहीं रोक, बोल कि सेठ जी आपसे मिलने दुकान में ही आ रहे हैं। जी सेठ जी। चा 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 जल्दी चा। अरे बबीता जी यहाँ क्यों आ रही है? मेरे तो क्या मालूम। सेठ जी। हाँ? सेठ जी बबीता जी यहीं आ रही है। सेठ जी आप क्यों छिप रहे हैं? आपका तो गोडाउन है। अरे मैं क्यों छुप रहा हूँ? हाथी भाई लुका छुपी नहीं खेलना हमको, छुप रहे चलो चलो इधर चलो जल्दी। अरे चलो निका पकड़ो। अरे छाते मेरे। जेठा जी। अरे बबीता जी आइए आइए आइए, बबीता जी आइए आइए। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं 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 डिस्टर्ब नहीं, कुछ नहीं नहीं जरा भी नहीं। नहीं आप थोड़े टेंशन में लग रहे हो। नहीं होगा, गर्मी है ना, तो कुछ टेंशन कुछ नहीं। आप अचानक यहाँ कैसे?
वैसे जेठा जी, मैं यहाँ पे दो काम से आई हूँ, पर फर्स्टली मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाई। अरे आप यहाँ आए हो, एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। वैसे क्या क्या सरप्राइज क्या है? आम रस। हम का रस? आपको किसने बताया? मुझे हम का रस बहुत पसंद है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे आप थैंक यू मुझे मत कहिए, दया भाभी को कहिए, उन्होंने ही आमरस आपके लिए भेजा है। दया ने कुछ समझा नहीं? एक्चुअली थोड़ी देर पहले दया भाभी मुझे सोसाइटी कंपाउंड में मिली थी। दया भाभी, बुलेट ट्रेन बन के कहाँ जा रही हो? वो क्या है, आज टप्पू के पापा के लिए पैसे आमरस बनाया है। ओके। तो दुकान में जाके अचानक उनको सरप्राइज देनी है। अरे वाह, दैट्स रियली ग्रेट। पर आप सरप्राइज देने जा रहे हो तो थोड़ी टेंशन में भी लग रहे हो, क्यों? अरे जाने दीजिए ना, वो क्या हुआ, माँ के साथ फोन पर बात करने में इतनी मगन हो गई ना कि समय कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। घर के सारे काम बाकी रह गए हैं और टप्पू के पापा को अभी टिफिन देकर मुझे घर के सारे काम खत्म करने हैं। और आज मैंने चद्दर और पर्दे भी धोने के लिए भिगोए हैं, तो ये काम तो आज मुझे किसी भी तरह पूरा करना ही है। ओहो लेडी, एक काम अनेक, बहुत ना इंसाफी है भाई, बहुत ना इंसाफी। चलो चलो बबीता जी, मैं निकलती हूँ, दुकान से आके घर के सारे काम फटाफट खत्म करने हैं और हम सब लोगों को शॉपिंग करने के लिए रिमझिम मॉल भी तो जाना है ना। निकलती हूँ भाई। अरे सुनो सुनो सुनो, आपकी टेंशन दूर करने के लिए मेरे पास एक अच्छी आइडिया है। क्या क्या क्या, जल्दी बोलिए। अरे क्या है ना, आयर का फोन बिगड़ गया है और थोड़ा पुराना भी हो गया है, तो मैं जेठा जी की दुकान में वैसे भी जा रही थी उसके लिए नया फोन लेने के लिए, तो आपका ये आमरस मुझे आप दे दो, मैं जेठा जी को आपके सरप्राइज दे दूंगी। नहीं नहीं बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? अरे दया भाभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो आपके पास काम बहुत ज्यादा है, समय बहुत कम है, फिर हमें मॉल भी तो जाना है। दे दो, मुझे दे दो। अरे मैं दे दूंगी। थैंक यू गब्बर सिंह, मुझे बहुत खुश हुआ। अरे मिल भी हो। और फिर मैं ये सरप्राइज लेके आपको देने आ गई। अरे वाह, थैंक यू दया, तो थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। यू वेलकम। और दूसरा कुछ काम आप बोल रहे थे, वो क्या है? जीठा जी, मुझे एक्चुअली आईगर के लिए एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना है। अभी तक अपना पता नहीं धर्म नहीं मार रहा है, मैंने उसको प्रपोज दे के दिन बहुत सारे गिफ्ट दिए थे, इसलिए अभी मेरे को रिटर्न गिफ्ट दे रहा है। लेकिन उन्हें तो ये एहसास ही नहीं है कि आप उनको कितना बड़ा गिफ्ट देने जा रहे हैं। आप जो गिफ्ट देने जा रहे हैं डिवोर्स, वो तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ये आवाज कैसी? पटलाल, इसकी वजह से हमेशा परेशानी होती है, फंसा दिया इसने। अब इसके छाते की आवाज ने बबीता जी को एकदम शिकारी की मुद्रा में ला दिया, अब हम सब शिकार बनने ही वाले हैं, पूरे फंस गए हम लोग। अगर बबीता जी को पता चल गया कि हम सब लोग यहाँ छिपे हुए हैं तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे हम बबीता जी को, यहाँ क्यों छुपे हुए हम लोग? अगर पता चल गया बबीता जी को कि हम सब लोग यहाँ हैं तो क्या उनके सामने सारा सच आ जाएगा? क्या अय्यर और बबीता जी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी? दूर हो जाए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हम गोकुलधाम वाले हैं, हमारी किस्मत इतनी सीधी साधी नहीं है। अगर हम क्रिकेट खेल रहे हो और मान लो हमने आखिरी ओवर में एक रन बनाना हो जीत के लिए और हमारे पास 6 विकेट हो, तो हम लोग वो हैं जो 6 बॉलों में 6 विकेट गिरा सकते हैं। तो क्या होगा, शेर के सामने जैसे भेड़ के बच्चे छुप जाते हैं ना, वैसे हम लोग छुप गए इस वक्त। लेकिन अब करें क्या, क्या बताएंगे बबीता जी को अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग यहाँ हैं तो? अब ये तो मैं नहीं जानता कि हम क्या बताएंगे, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आप हमारा साथ दे रहे हैं स्वच्छता अभियान के तहत, और स्वच्छता अभियान के तहत हम पुरस्कृत करते हैं एक स्वच्छता सेनानी को, तो इस बार के स्वच्छता सेनानी है मुंबई के अष्ट विनायक ग्रुप। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तारक मेहता की ओर से जो स्वच्छता अभियान उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्हीं से प्रेरित होके हमने भी स्वच्छता अभियान हमारे एरिया में स्टार्ट किया, और हमारे लिए भी ये गर्व की बात है कि जिससे हमने इंस्पायर हुए थे उन्हीं से आज हमें ये ट्रॉफी मिल रही है। हम ये कार्य आगे भी शुरू रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत।
इन्हें तो बधाई, लेकिन हम लोगों के लिए दुआ कीजिए। हम लोग जो इस वक्त छुपे हुए हैं जेठालाल के गोडाउन में, अगर बबीता जी की निगाह हम पर पड़ गई तो क्या होगा? हंगामा होगा, लेकिन हर हंगामे आपके लिए लाएगा ठहाके। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।